होली का भजन रिलीज हो गया है, आप सभी ने उस पर डांस करना है, मस्ती करनी है, होली मनानी है और याद से हमको टैग करना है, बिकॉज हम उस वीडियो को शेयर तो करेंगे और हमारे एक हाईलाइट सेक्शन है जिसका नाम है होली होली सॉन्ग, वहां पर हम उसको जरूर डालेंगे। सो धमाल मचानी शुरू कर दीजिए एंड लेट्स सेव दिस मेमोरी फॉर एवर विद माधवाज रॉक बैंड। रश था और वो भर गया इतनी जल्दी, तो उस वक्त तक तो मैंने ये मन बना ही लिया था, मतलब शायद भगवान ऐसा मूड डेवलप करने के लिए ये सब चीजें करते हैं कि हम एग्जैक्टली लोगों पे भी डिपेंडेंट ना रहे, हम भगवान पे फोकस करें कि भगवान हम आपके लिए गाने वाले हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली सैटिस्फाई हो ही जाएंगे। जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं, वी ट्राई टू सैटिस्फाई कृष्णा देन एवरीबॉडी विल गेट सैटिस्फाइड, तो वो एक्चुअल में हुआ, तो बस धमाल हो गई, बहुत ही आनंद आया। हरे कृष्णा। रश था और वो भर गया इतनी जल्दी, तो उस वक्त तक तो मैंने ये मन बना ही लिया था, मतलब शायद भगवान ऐसा मूड डेवलप करने के लिए ये सब चीजें करते हैं कि हम एग्जैक्टली लोगों पे भी डिपेंडेंट ना रहे, हम भगवान पे फोकस करें कि भगवान हम आपके लिए गाने वाले हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली सैटिस्फाई हो ही जाएंगे। जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं, वी ट्राई टू सैटिस्फाई कृष्णा देन एवरीबॉडी विल गेट सैटिस्फाइड, तो वो एक्चुअल में हुआ, तो बस धमाल हो गई, बहुत ही आनंद आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृंदावन से एक डेढ़ घंटा दूर है कामवन, और यहाँ पे आज हमारा प्राइवेट नहीं पब्लिक कीर्तन था, तो यानी कि हर कोई आ सकता था। और जब हम यहाँ पर पहुंचे आई थिंक 8:30, 7:30 कुछ पहुंचे, और यहाँ का वो रहता है कि 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए, साउंड नहीं आनी चाहिए। तो जब हम 8 बजे पहुंचे तो हमने देखा कि कोई भी नहीं था वहां पे, मतलब लोग नहीं थे, तो हमें बहुत बुरा लगा ये सोच के कि अरे हमने भी कुछ अपनी स्टोरीज में शेयर नहीं किया, नहीं तो कोई ना कोई आता, ऐसा सोच रहे थे हम, है ना। लेकिन पता नहीं कहाँ से 10-15 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे लोग आ गए, मतलब गांव की ये कह लीजिए खासियत है कि यहाँ पर ऐसे धुएं की तरह न्यूज वाईफाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्दी न्यूज फैलती है, और सभी लोग इतने, मतलब क्या बताऊं कितना रश था। हम घर पे आए हुए हैं और नंदरानी को मैंने बोला चावल बनाने को, मेरे को जीरे वाले राइस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका मन नहीं कर रहा जरा भी खाना बनाने का आज, क्योंकि ना ये पानी कितना डालना है और ये सब करने के लिए हरकत के जरिए मैंने इनको ये बोला मुझे जीरा राइस चाहिए, वो भी कड़ी पत्ता डाल के तड़का वाले। मेरा मन कर रहा है बनाने का, मतलब तेरा मन कर रहा है? मन नहीं, मतलब मैं बना रही हूँ। घंटे से ये मतलब बैठी हुई थी और नहीं मैं इसलिए डाउटफुल थी बिकॉज ये जो है फ्रेश वाले चावल है, किसी खेत से आए हैं और इनको पकने में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अभी नहीं स्मेल कर रहा हूँ, हमने चावल में खुशबू आ रही है। तो ये जो चावल है ना, ये इनका नाम है राम भोग या लक्ष्मण भोग, कौन से है पता नहीं, मालूम नहीं कौन से, बट ये खेत से आया है, केमिकल फ्री रहता है, बट इसलिए मुझे इसमें टाइम पानी का मेजरमेंट नहीं करता। वैसे आपको बता दूं मैं खिले हुए नहीं, अभी एक मिनट। Okay।
धूल लिपटी देखी अंग सो भाग जाए यमदूत मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए रज रज उड़ माथे लगे मुक्ति भी मुक्त हो जाए।